नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस बात का डर था वही हुआ, बीजेपी और बजरंग दल RSS अपने मकसद में कामयाब हो गए। जी हाँ, पूरी खबर समझ लीजिए। जिस तरीके से कर्नाटक में हिजाब मामला शुरू हुआ था वो देखते देखते सांप्रदायिक बन गया। सवाल तो होना चाहिए था उनसे कि जो हिजाब के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन छात्राओं को ही कल्प्रिट बना दिया गया, दोषी बना दिया गया। अब उसका मामला ये हुआ कि वहां पर दंगे भड़क चुके हैं, मुसलमानों के घरों पर हमले हो रहे हैं, उनको निकाल के मारा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन हम सारी वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत हम बंधे हुए हैं। और वैसे भी आजकल मोदी सरकार पूरे YouTube चैनलों पर धावा बोल रही है, धीरे धीरे सबको सस्पेंड कर रही है, हैक कर रही है और उनकी वीडियोज उड़ा रही है। तो इसलिए हम पूरी वीडियोज तो नहीं दिखा सकते, लेकिन स्क्रीनशॉट्स और कुछ झलकियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं और खबर की पुष्टि भी हो सकती है कि किस तरीके का माहौल वहां पर बना दिया गया है। दरअसल पूरा मामला समझ लीजिए। कर्नाटक के शिमोगा एरिया में एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। अब उसमें मीडिया रिपोर्ट्स करती है कि हिजाब का विरोध कर रहे बजरंग दल के छात्र की हत्या हो गई, यानी कि उसकी जो हत्या हुई थी उसको हिजाब मामले से जोड़ दिया गया और मुसलमानों को दोषी ठहरा दिया गया। लेकिन मीडिया ने इस बात की ना पुष्टि करी, अभी तक उस केस की इंक्वायरी हो रही है और बिना किसी पुष्टि के मीडिया ने ये खबर चला दी कि हिजाब के विरोध में एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई और लोग क्या थे फिर भड़क गए और वहां पर मुसलमानों के घरों पर हमले हो रहे हैं। वो सारे विजुअल भी दिखाऊंगा, लेकिन इस बात को समझिए कि मीडिया किस तरीके से मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के खिलाफ काम करती है। वो चाहे जितना भी बड़ा सेक्युलर संस्थान क्यों ना हो, वो चाहे अपने आप को कितना भी सच्चाई और दुनिया भर की बातें करता हो, लेकिन जब मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हित आता है तो वो अपना रंग दिखा देता है। जी हाँ, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये द प्रिंट ने रिपोर्ट किया है, हिजाब का विरोध करने वाले बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक के शिवमोगा में धारा 144 लागू। ये वही द प्रिंट है जिसको आप अपने सर पर उठाकर घूमते हैं कि वो सिर्फ मोदी के खिलाफ लिखता है। जरूरी नहीं है कि जो मोदी के खिलाफ बोल रहा है या योगी के खिलाफ बोल रहा है वो आपके समर्थन में हो। इस बात को समझिए, इन्होंने रिपोर्ट किया है जबकि सच्चाई कुछ हो रही है। मीर फैसल ने लिखा है ट्वीट करते हुए, द प्रिंट इंडिया जैसे वेबसाइट से मुसलमानों को बचने की जरूरत है। आप ये खबर को ही देख ले, हत्या हुई है, पुलिस अभी जांच में जुटी है, लेकिन इस वेबसाइट ने इस खबर को हिजाब से जोड़ दिया और उसका ये नतीजा हुआ कि वहां पर दंगे भड़क गए हैं और वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन अब असली खबर देखिए। मक्तूब मीडिया है, उसने रिपोर्ट किया है, कर्नाटका बजरंग दल मेंबर्स मर्डर नॉट रिलेटेड टू हिजाब बैन प्रोटेस्ट सेज होम मिनिस्टर। कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने कहा है, खुद बयान दिया है कि जो ये मर्डर हुआ है इसका हिजाब प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है। ये देखिए, निकिला हैंडी है जो द क्विंट के लिए काम करती है, पत्रकार है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, कर्नाटका होम मिनिस्टर आरागा जनेन्द्र है सेड बजरंग दल मेंबर हरसाज मर्डर इज अनरिलेटेड टू हिजाब रो, नो ऑर्गेनाइजेशन इज बिलीव टू बी बिहाइंड द मर्डर, 3 to 4 अननोन पर्सन आर बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन दिस एक्ट ही सेड। होम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि ये जो मामला है वो आपसी लड़ाई का है, इसका हिजाब मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन द प्रिंट ने छाप दिया कि हिजाब मामले में एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या। इतना ही नहीं, ओप इंडिया और जितने भी RSS विचारक के पोर्टल हैं, अखबार हैं, उन्होंने सब ने इसको, खबर को ऐसे चलाया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज वहां पर हमला हो रहा है, मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है और धारा 144 लगा दी गई है। जैसा कि हर बार दंगों में देखने को मिलता है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, वैसा ही यहाँ पर देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, कर्नाटक के शिवमोगा में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको एक एक करके सबूतों के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए, निकिला हैंनरी ने फिर ट्वीट किया है, एक वीडियो शेयर की है जिसमें कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता मुसलमानों की दुकानों पर पत्थर मार रहे हैं और किस तरीके से सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो देखिए, ये देखिए, ये वीडियो भी घूम रहा है कि काकावानी है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कर्नाटक आज़ाद नगर शिवमोगा में बजरंग दल के आतंकी मुस्लिम इलाकों और घरों पर पथराव करते हुए हमेशा की तरह पुलिस मूक दर्शक बनी हुई। आप इस विजुअल में देख सकते हैं साफ साफ कि भीड़ किस तरीके से मुसलमानों के घरों पर पथराव कर रही है। इसके अलावा एक और वीडियो देखिए, ये अनडिफीटेड फेथ एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा है सीम्स फ्रॉम नलबंदवाड़ी बीबी स्ट्रीट साईहट्टी शिमोगा बजरंग दल गूंस हैव एंटर्ड मुस्लिम एरियाज एंड हैव बर्न्ट व्हीकल इवन डैमेज हाउसेज इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस लोकैलिटीज हैव एलिजेडली पुलिस इन एक्शन इवन आफ्टर दिस गुंडाइज्म। वही फिर से आरोप लग रहा है कि पुलिस जो है मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है और गुंडे घरों में आए, बाइकें जलाकर उनके घरों पर पथराव कर कर चले गए। देख सकते हैं आप वीडियो में कि कितना भारी नुकसान हुआ है, मोटर गाड़ी सब इनकी जली हुई है, जो मुसलमानों के घर थे उन पर हमला हो रहा है। अब ये देखिए एक और इन्होंने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है An innocent Muslim truck driver has been brutally attacked by बजरंग दलगुन in शिमोगा for no reason। पुलिस को टैग करते हुए लिखा है पुलिस must stop this violence before these goons vandalize the entire city। तो एक ड्राइवर है जो मुस्लिम है, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम है और वो ट्रक चलाता था। वहीं दूसरी तरफ जो वहाँ की लोकल मीडिया है वो भी रिपोर्ट कर रही है कि किस तरीके से वहाँ पर दंगा भड़क चुका है और मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। एशिया नेट ने ये खबर चलाई है किस तरीके से मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर हमला किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं। ये फिर से वही वीडियो देखिए कि मुसलमानों के घरों पर किस तरीके से हमला किया गया, उनके घरों को जला गया, बाइकों को जलाया गया। इतना ही नहीं, इस पर अब श्याम मीरा सिंह, जिनको मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के चलते आज तक ने अपने चैनल से निकाल दिया था, उन्होंने अब ट्वीट किया है कि कर्नाटक में बजरंग दल के हर्षा की हत्या को मुस्लिमों या हिजाब मामले से जोड़ना फेक न्यूज़ है। कर्नाटक भाजपा सरकार के गृह मंत्री ने खुद कहा है कि इस मामले से हिजाब का कोई संबंध नहीं है। ऐसे में कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसके पीछे के अनजान अपराधियों की अभी जांच जारी है। ये देखिए इन्होंने द क्विंट की रिपोर्ट को भी ट्वीट किया है, हर्ष की हत्या का मामला हिजाब मामले से जुड़ा हुआ नहीं है। गृह मंत्री, कर्नाटक के गृह मंत्री ने बयान दिया है, लेकिन हमने आपको दिखाया किस तरीके से द प्रिंट और ऑफ इंडिया और जितने भी RSS की विचारधारा के वेब पोर्टल हैं या मीडिया हैं, यह जो सेक्युलर हैं, जो अपने आप को लिबरल बोलते हैं और बोलते हैं कि हम लोकतंत्र का चौथा पिलर हैं और मुसलमानों का हितैषी होने का दावा करते हैं, वही लोग उनके खिलाफ झूठी अफवाह फैलाते हैं। ये पहला मामला नहीं है। गोदी मीडिया तो अब वैसी बदनाम हो चुका है। आपको बता दें कि जब मुरादाबाद में ईदगाह में मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, तब भी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि किस तरीके से मुसलमानों ने पत्थरबाजी करके 4-5 जो है CRPF के जवानों को मार दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उस टाइम भी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा था और आज भी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। मुसलमानों को ज़रूरत है कि वो अपना मीडिया खड़ा करें, तभी उनकी आवाज़ उठेगी और जो सच है वो सामने आएगा। नहीं तो इसी तरीके से चाहे द प्रिंट हो, NDTV हो, तमाम जो लगता है कि आपके हितैषी हैं, वो लोग वही आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं और बाद में 1-2 स्टोरी ऐसे करते हैं भाईचारे वाली, बैलेंस बनाने के लिए, ताकि मुसलमानों का फेथ बना रहे। आपको याद होगा कोरोना मामले में जिस तरीके से चाहे गोदी मीडिया हो या तमाम मीडिया हो, सब ने बिना जांच किए, बिना इंक्वायरी किए सब ने चला दिया कि जिम्मेदार जो है तबलीगी मीडिया है। दिल्ली दंगों में भी ऐसा ही हुआ था, बिना जांच किए, बिना ग्राउंड पे जाए उन्होंने चला दिया कि मुसलमानों ने, ताहिर हुसैन ने, उमर खालिद ने, यही सब दंगे के मास्टरमाइंड है। लेकिन दुनिया ने देखा था कि किसने दंगा करवाया और कौन उसके पीछे था और किससे उसको फ़ायदा होने वाला था। लेकिन ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर है और सोशल मीडिया पर भी हमारी जिम्मेदारी है कि जो सच है वो हम आपको दिखाएं। लेकिन ये तय है कि जिस मकसद के लिए हिजाब मामला उठाया गया था वो मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि आज शिमोगा में धारा 144 लागू हो चुकी है और जो बजरंग दल RSS के कार्यकर्ता हैं, जो गुंडे हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं और मुसलमानों के घरों पर हमले कर रहे हैं और हमेशा की तरह दंगों में पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। तो ये बड़ी खबर थी कि शिमोगा, कर्नाटक के शिमोगा में वहाँ पर दंगों की खबरें आ रही है और मुसलमानों के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।